हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे सत्तू का आटा जो हर साल सावन महीने में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्तू का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है आधा किलो गेहूँ। मेजरिंग कप से अगर गिने तो आधा किलो मतलब दो कप गेहूँ यहाँ पे हो गए थे। तो आधा किलो गेहूँ के साथ मैंने यहाँ पे लिए आधा कप से भी कम चने की दाल और आधा कप जितनी मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना ले लिया है। तो दोनों दालों को अलग रख देंगे और गेहूँ को धो लेंगे। तो यहाँ पे गेहूँ को मैंने दो तीन बार अच्छे पानी से धो लिया है ताकि इसमें जो भी कचरा थोड़ा बहुत रह जाए वो निकल जाए। अच्छे से हाथों से गेहूँ को धो लेंगे और इसमें फिर से पानी डालेंगे और आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। पहले जब सत्तू का आटा बनता था तो इसको कूटा जाता था, पर हम इसको रोस्ट करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, गेहूँ भी थोड़े फूल गए हैं। अब इसको छान लेंगे। तो छन्नी पे एक सूती कपड़ा रखिए और इसमें सारा पानी निकाल लीजिए। आप पहले पानी निकाल के फिर सूती के कपड़े में भी बांध सकते हैं। तो मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अभी इस गेहूँ को इसी कपड़े में एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। इस तरह से बांध के छोड़ दीजिए ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। एक घंटा हो चुका है, खोल के देखते हैं। तो अभी गेहूँ का पानी निकल गया है, ना ज़्यादा ये गीले हैं गेहूँ ना ज़्यादा सूखे हुए हैं। अभी कढ़ाई लेंगे, उसमें दो पार्ट में गेहूँ को रोस्ट करेंगे। बहुत ही धीमी आंच पे आपको गेहूँ को रोस्ट करना है। मुझे तकरीबन 20 मिनट लग गए थे एक बैच गेहूँ का रोस्ट करने के लिए। बहुत ही पेशेंस का काम है यहाँ पे गेहूँ रोस्ट करते हुए। बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि गेहूँ जले ना। बिल्कुल इस तरह से गेहूँ रोस्ट कीजिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और इस तरह से गेहूँ मैंने रोस्ट कर लिए है। अब इसको परात में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसी तरह से मैंने बाकी बचे हुए गेहूँ को भी रोस्ट कर लिया था। इसको भी अभी परात में निकाल लेंगे और अभी जो दालें ली थी हमने उसको भी रोस्ट करेंगे। तो पहले भुना हुआ चना जो हमने लिया था उसको रोस्ट करेंगे। पहले ही चना भुना हुआ था इसलिए सिर्फ इसको दो या तीन मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये भुना हुआ चना ले लिया है हमने। तो ये भी रोस्ट हो चुका है। सभी चीज़ों को एक ही परात में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। अब चने की दाल को भी आप साफ कपड़े से पोंछ दीजिए और इसको भी दो से तीन मिनट के लिए रोस्ट कीजिए ताकि पिसवाने में और ज़्यादा अच्छा मदद मिले। चने की दाल भी रोस्ट हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पूरा ठंडा होने देंगे। जब अनाज पूरा ठंडा हो जाए तो इसमें सॉल्ट का पाउडर डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच जीरा डालेंगे और मैंने यहाँ पे आधा जायफल ले लिया है, वो भी कद्दूकस करके डाल देंगे। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर लिया है। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला देंगे और आपको इसको आटा चक्की से पिसवा के लाना है। घर पे ट्राई मत कीजिए, वो बहुत ही दरदरा पिसवा के निकलता है घर पे मिक्सी में, तो आटा चक्की से ही पिसवाइए। तो अपना आटा तैयार है, मैंने आटा चक्की से पिसवा के लाया है। यह है पारंपरिक देसी स्टाइल सत्तू का आटा। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। अब इसको खाना कैसा है वो भी बताएंगे। तो कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें डालेंगे गुड़। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर दूध में बना रहे हैं तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल कीजिए। गुड़ को अच्छी तरीके से पानी में मिला देंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे सत्तू का आटा। तो पहले मैं 3 चम्मच आटा डाल रही हूँ, इसको मिला देंगे अच्छे से। मुझे थोड़ी थिकनेस कम लग रही थी, थोड़ा सा पतला लग रहा था सत्तू का आटा का घोल, तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच और ऐड किया है सत्तू का आटा। इसको भी अच्छे से मिला देंगे ताकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए सत्तू के आटे की खाने के लिए वो मिल जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा सत्तू का आटा मैंने बना लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर लिया है टेस्ट के लिए, बिल्कुल एक चुटकी नमक। कलर भी बहुत प्यारा आया है। इस तरह से तैयार है अपना सत्तू का आटा। आप भी बना के देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।